सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। क्या आपको लग रहा है संस्कृत से डर? अरे सर, हम आप कहाँ पढ़ लें, बड़े कंफ्यूजन में हो सर, ये पढ़ें, वो पढ़ें, ये पढ़ें, क्या पढ़ें? अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका जवाब आज की वीडियो देगी। 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं और 15वीं तक हमने सर संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ा है, यहीं से सर हमारा नंबर गड़बड़ाता है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि 15 दिन की रणनीति क्या होगी, आप कौन कौन सी वीडियोस देख लें, आप क्या क्या पढ़ लें, कि जो छात्र आज पहली बार क्लास देख रहे हो, सर अभी तक हमने ध्यान ही नहीं दिया, आज ही से हमने पढ़ाई शुरू की है, यह वीडियो उनके लिए भी है। और जो छात्र हमेशा से तैयारी कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो है कि अंतिम समय पर कि बहुत सारी वीडियोज में हम कौन कौन सी वीडियोज देख लें और उन सारी वीडियोस को एक जगह करके उनकी सारी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में हम पिन करा दे रहे हैं, वहीं से वो सारी वीडियोस आप विजिट कर सकते हो। या संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, चाहे आपको मिल जाएगा, वहीं से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारी वीडियोस आपको सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं कि 15 दिन की संपूर्ण रणनीति क्या होगी। मेरे प्यारे छात्रों, समझ गए ना जी, तो आओ देखते हैं, बस इतना पढ़ लो, कितना पढ़ लें, आइए देखते हैं ना जी। सबसे पहले चूंकि 15+15 का मान होता है तो टोटल 30 अंक होता है आपका, ठीक है, टोटल आपका 30 अंक होता है और उसमें आपको हम 15 अंक जो पेडागोजी का पार्ट होता है उसमें क्या पढ़ना है अभी, या सर कौन सी वीडियोस देखना है आपको, हम आपको बताने वाले हैं। पूरे के पूरे सेशन में बने रहिएगा, छोटा सा सेशन है बस इतना बताने के लिए। अभी आप डरो नहीं, जो आपके मन में भय है उसको दूर करने के लिए आए हैं कि कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। मास्टर वीडियोस हैं, जैसे सबसे पहले या नंबर पे और जैसे जैसे दिया है वैसे ही पढ़ना है आपको। हाँ, जैसे जैसे दिया है वैसे ही पढ़ना है वीडियो बनाना हमारा। हाँ जो, तो इसको कहते जैसे आपको क्या करना है, टैग वर्ड, क्या सबसे पहले आपको पढ़ना है टैग वर्ड, कौन सा, संस्कृत वाला टैग वर्ड, कौन सा बच्चा, रामबाण इलाज, पूरा रामबाण इलाज है आपका संस्कृत का टैग वर्ड। 100% सफलता के लिए जो शब्द कहीं ना समझ पा रहे हो, जो संस्कृत के कठिन शब्दावली आपको ना पता हो, देख लो हमारा टैग वर्ड। टैग वर्ड आपको हिंदी का भी है संस्कृत का भी है, दोनों जाके देखना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या देखना है, पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड। तो बच्चा जब कभी समस्या ऐसी आ जाती है, कभी कभी बन जाती है कि सर हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन पढ़ ले रहे कि बताओ कौन सा सही करें, तो ये वाला वीडियो बताएगा कि पॉजिटिव कीवर्ड। और मैंने टॉपिक वाइज आपको दिया है, जो कीवर्ड भी दिया है ना टॉपिक वाइज दिया है मैंने ना जी, टॉपिक के साथ कि हर टॉपिक का अलग अलग क्या बनेगा, समझे, पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड। तो सारे छात्र दूसरे नंबर पे क्या देखना, पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे? जितने छात्र जुड़े लाइक कर दो, शेयर कर दो क्लास अगर आपको अच्छी लग जाए तो, मेरे प्यारे छात्रों। उसके बाद जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं, लाइक संस्कृत शिक्षण की महामैराथन आपको मिलेगा, संपूर्ण संस्कृत का निचोड़ मिलेगा, एकदम एक वीडियो शिक्षण समाप्त, वो 23 जून को रहो तैयार आप लोग। 23 जून को हम मिलते हैं आपको संस्कृत शिक्षण की महामैराथन के साथ, मेरे प्यारे छात्रों। उसके बाद 24 और 25 जून को जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, विगत वर्षों के 2011 से लगभग अभी तक भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संगम होगा पेपर वन वालों का, और उन्हीं सभी प्रश्नों का संगम होगा पेपर टू का 25 जून को। मैंने कहा कम से कम एक हफ्ता हमको दीजिए और ज्यादा समय हम आपको एक बार में 10 घंटे की मैराथन ना देकर आपको 3-3, 2-2 घंटे की मैराथन दे रहे हैं, ताकि आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, बच्चा हैक्टिक ना हो। और उसके बाद जब मौका मिले तो सुपर 30 की सीरीज है हमारी, इसको टुकड़ टुकड़ देख लेना, मतलब अच्छे से देख लेना, एकदम 100% आपको ये हेल्प करेगी। इसी में हमने बनाया है एक और एक्स्ट्रा वीडियो टॉपिक में, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या स्किमिंग और स्कैनिंग वाला जो वीडियो है, ठीक है, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा,
आई बात गई समझ में। फिर हमने एक वीडियो बनाया है विक्स और काल्प का, CALP विक्स और काल्प का, इसको भी देख लेना है। सारी वीडियोस हम आपके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे। उसके बाद क्या देखना है, तो कहें सर उसके बाद क्या देखें, तो कहें सर उसके बाद कोड मिक्सिंग पढ़ते हो ना जी, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का वीडियो आपको देखना है 100% बच्चा, क्योंकि यहां से होगी आपकी नैया पार। और ये ऐसे टॉपिक हैं, केवल संस्कृत नहीं, केवल हिंदी नहीं, आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न मिलते हैं, चाहे वो आप SST दे रहे हो, चाहे आप EVS का पेपर दे रहे हो, मतलब EVS वाला पार्ट कर रहे हो, चाहे CDP कर रहे हो, हर पार्ट में आपको यहाँ हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सारी वीडियो वीडियो में नीचे आपको हम वो कर देंगे, है ना जी, पिन करा देंगे। उसके बाद सर, उसके बाद जो दूसरा तीन पार्ट है आपके पूरे पेपर में, एक पेडागोजी का पार्ट होता है, एक होता है पैसेज का पार्ट होता है, एक होता है आपका ग्रामर का पार्ट। बोलो क्या, पेडागोजी मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, पैराग्राफ में क्या देखो तो आपको पैराग्राफ सही हो जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो दे दिया हूं एक दिन पहले, आप जाओ देखो पैराग्राफ की ट्रिक वाला वीडियो, ध्यान से देख लेना। मैंने आपको उस ट्रिक को अप्लाई करके भी दिखाया है पूरे जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे छात्रों। तो पैराग्राफ की ट्रिक वाली वीडियो जाके देख लो, और पैराग्राफ का हम मैराथन भी करा देंगे 26 जून को। कब? 26 जून को, एक साथ में 50 पैराग्राफ एक वीडियो में, अगर पूछेगा कहां से समझे कि नहीं। तो पैराग्राफ की महामैराथन 26 जून को, उसके पहले लेकिन आपको क्या देख लेना है, पैराग्राफ की ट्रिक। और जो मैराथन कराऊंगा उसमें ट्रिक के ट्रिक से ही हम उसको हल करा के दिखाएंगे, ये भी समस्या होगी। कहें सर तीसरा पार्ट व्याकरण का आता है, सर व्याकरण तो कुछ नहीं आता, हे भगवान कुछ पढ़े नहीं, तो आओ इधर आओ, हम बताते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको प्रत्यय की ट्रिक, जहां से दो अंक आपका रख लो अपनी जेबा में रख लो, आपने दुपट्टम बांध गांठ बांध ले, काहे कहे इसकी प्रत्यय ट्रिक से दो अंक आपका अपना हो जाएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद शब्द रूप की ट्रिक वाली वीडियो देखनी, इसके हमने लगभग एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट हमने बनाए हैं शब्द रूप की ट्रिक वाली वीडियो, नहीं देखा होगा ना तो जाओ देखो, क्योंकि एक अंक आपका पूछता है विभक्तियों से, और वो कहां से मिलेगा, हमारी शब्द रूप की ट्रिक वाली वीडियो देखने से, समझ में आना जी। उसके बाद संधि की ट्रिक, यहां से भी एक अंक आपको मिलता है, एक नहीं दो पैसे पूछता ना, तो दो अंक लिखो यहाँ पे चुप्पे एफ बड़े आए, एक बता रहे जी दो अंक, संधि की ट्रिक वाली वीडियो से बच्चा आपको मिलता है दो अंक, कितने अंक कितने अंक, दो अंक मिलता है बच्चा, सही बता रहे एकदम, ये वाली मुद्रा हाँ विक्ट्री। तो संधि की ट्रिक से दो अंक का आपका काम हो जाएगा, आई बात गई समझ में। चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो, यू कैन डू एवरीथिंग माई डियर स्टूडेंट्स। तो और क्या पढ़ना, बस खत्म, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों। बस अगर कोई डाउट हो तो कोई सारी वीडियोस हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दे रहे हैं, बच्चा वहीं से देख लेना। और वहां ना मिले अगर यहाँ दिक्कत हो रही हो सकता है यहाँ कोई समस्या हो जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत चंद्रा के नाम से, तुरंत जाओ अभी के अभी इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम आपको गाइड करते रहते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको तैयार होना है, साथ ही साथ जो सूचनाएं होती है सारी संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर, और ये वाली PDF भी आपको संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, लेकिन जो मैराथन हमने बताई है इसके लिए हो जाओ तैयार। और सारी मैराथन आपको मिलेगी मेरे प्यारे छात्रों, 22 जून से स्टार्ट हो गई मैराथन क्लास। आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार, शुभम भूया सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।